नहीं नहीं सवाल पता नहीं वो उनकी सोच होगी, अब अंगूर के लिए या मिठाई के लिए वो जा सकते हैं, हम लोग तो पिछले 20 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनका राजनीति करियर 6-7 सालों का है, अपने बारे में सोचे। पता नहीं बुराई वो करें, मैं तो बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कौन सा लंगूर किसके पीछे जाता है, खुद आप लोगों के सामने है ना, चुनाव हार करके भी मंत्री बने तो लंगूर कौन होगा। लेकिन हक अधिकार इस तरह से नहीं मांगा जाता, वो छीनने की बात करते थे। लेकिन हक अधिकार इस तरह से नहीं मांगा जाता, वो छीनने की बात करते थे। मुकेश सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि उनके विधायक लंगूर हैं, अंगूर मिल गया था इसलिए लटके हुए थे साथ में, और अब बागी विधायक जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है राजू सिंह सामने आए हैं। उन्होंने मुकेश सैनी को खूब खरी खोटी सुनाई है, क्या कुछ कहा है वो सुनिए। एक हो गया, क्या कुछ परिस्थितियां बन गई बीजेपी में आ गए? मैं पहले ही बता रहा हूँ कि पार्टी जो है निजी कंपनी की तरह चल रही थी, और निजी कंपनियों में हम लोग को काम करना कहीं से भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोगों ने खुद से अपने, और हम लोग चुनाव जो लड़े थे वो कंप्लीट भाजपा के बैकग्राउंड पे ही चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के बैकग्राउंड पे चुनाव लड़े थे। तो हम लोग पार्टी क्या छोड़े, हम लोग पुनः उस घर में वापस आए हैं जहाँ जब इनका यूपी चुनाव का समय आया, यूपी चुनाव के बाद में भी बुचहा का समय आया, जब ये एनडीए से अलग होने की बात करने लगे तब जाकर हम लोग आए हैं आप लोग बीजेपी में। नहीं नहीं सवाल पता नहीं वो उनकी सोच होगी, अब अंगूर के लिए या मिठाई के लिए वो जा सकते हैं, हम लोग तो पिछले 20 सालों से राजनीति कर रहे हैं, उनका राजनीति करियर 6-7 सालों का है, अपने बारे में सोचे। हम लोग तो 20-25 साल से राजनीति। राजू जी आपने कहा था कि वो फैक्ट्री की तरह पार्टी चला रहे थे, इस सवाल पर मुकेश सैनी कह रहे हैं कि अंगूर के पीछे लंगूर जाता ही है, तो जाने वाले गए और वो बुराई करेंगे ही, करने दीजिए। अब पता नहीं बुराई वो करें, मैं तो बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कौन सा लंगूर किसके पीछे जाता है, खुद आप लोगों के सामने है ना, चुनाव हार करके भी मंत्री बने तो लंगूर कौन होगा। मैं उनके बारे में विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साल भर से ज्यादा तक रहे। बने रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, ये हम लोग नहीं बता सकते। बीजेपी के तमाम विधायक मांग कर रहे हैं कि उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए, अब बीजेपी के हो गए हैं। देखिए मैं अभी इस पे, मेरे लिए कुछ भी बोलना ज्यादा होगा इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साल डेढ़ साल तक काम किया हूँ, इसलिए मैं, मेरा ये कहना कि उनको मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए, ये मैं कहीं उस औकात का मैं अपने आप को नहीं समझता। कैसा तरीका था मुकेश सैनी का? बिल्कुल आप जानते हैं कंपनी चला रहे हैं, पार्टी चला ही नहीं रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं। बीजेपी में आप लोगों के आने का जो डायरी है वो पूर्व में तैयार हो चुका था? बिल्कुल पूर्व में भी, हम लोग तो बीजेपी से ही आकर के इस पार्टी से चुनाव लड़े थे ना, हम लोग आने जाने का सवाल कहाँ था, ये तो अगर पार्टी को ढंग से एनडीए के साथ रह करके पार्टी को चलाते, क्योंकि एनडीए के द्वारा ही हम लोग उनके टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्राइवेट कंपनी चला रहे? प्राइवेट कंपनी ही चलाई जाती है ना, हम लोग को किस ढंग से टिकट मिला है, क्या हुआ है, आप लोग से छुपा हुआ है? और उसके बाद में टिकट मिलने के बाद में तीनों चारों विधायक जो थे, चारों विधायक से कोई भी राय ना ले करके, बिना राय लेते हुए ही यूपी के चुनाव में जाना, बुचहा के चुनाव में कैंडिडेट को उतारना, कोई बात नहीं करना, तो ये प्राइवेट कंपनी ने ऐसा करती है। सबसे बड़ा घात मुकेश सैनी ने बुचहा में उपचुनाव लड़कर किया है क्या? नहीं, उन्होंने शुरुआत ही कर दिया था इस ढंग से, हमारी छोटी पार्टी थी जिस पार्टी को बने हुए अभी 4-5 साल ही हुआ था, और उस पार्टी को उन्होंने समझ लिया था जैसे कि जदयू हो, लोजपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसकी बराबरी करने लगे थे। ठीक है पार्टी बनी है, पार्टी नहीं बनी है पार्टी को, ठीक है पार्टी बनी है पार्टी नहीं बनी है पार्टी को हक अधिकार होता है, लेकिन हक अधिकार इस तरह से नहीं मांगा जाता, वो छीनने की बात करते थे। सपना देखना गुनाह नहीं है, वो तो कहते हैं। आप लोग को लीड कौन कर रहा था? हम लोग कौन लीड करेगा, पूरे बिहार विधानसभा में आज हमसे सीनियर मात्र 30-32 लोग ही सीनियर हैं, हम 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमको कौन लीड करेगा भाई? पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आपके, क्या उससे किसी प्रकार की कोई बातचीत कभी नहीं होती थी? कभी कभार होती थी बात, कभी कभार बात होती थी, उनके बीएस फोन लगा करके बात देते कराते थे, बात होती थी, बात जब भी बात हुई है कभी जा करके मिल के भी बात किया हूँ, और अपनी भावना को उनसे अवगत कराते रहता था। आप लोग के माध्यम से 6 महीना पहले से उनको अवगत कराते रहा। मुकेश सैनी बोल रहे हैं कि कभी झुकेंगे नहीं चाहे जो कुछ भी हो जाए। कभी झुकेंगे नहीं, जब उनका सवाल है तो हम लोग भी तो यही बोलते हैं कभी झुकेंगे नहीं, इसी सवाल पे तो पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में अपने पुराने घर में आए। हम लोग का भी सवाल, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत खुशी होकर विदा किया है, शुभकामनाएं दी हैं आपको। अरे शुभकामनाएं मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि राजनीतिक भविष्य उनका उज्ज्वल हो, लेकिन अपनी शैली जो है राजनीति की शैली को बदले, भगवान करे आगे बढ़े। लेकिन आप उनके साथ गलत किया, ऐसा कुछ उन्होंने बोला? अब गलत या सही क्या है निर्णय, मैं तो खुद नहीं ले सकता, ये तो जनता लेगी ना। ठीक ठीक है।